देख रहे हो पिजन प्लेनेट और मैं आपका दोस्त बूरा शर्मा और मेरे साथ है नदीम और आज हमारे कैमरामैन बने हुए हैं सावेज अंसारी। तो दोस्तों आज का टॉपिक है कि कबूतरों में लूज मोशन हो जाने पे उनका इलाज कैसे करें। अभी पीछे गर्मी ज़्यादा थी, अभी एक दो दिन से मौसम ठंडा है तो हमारे कबूतरों में लूज मोशन हो गया था। और आओ सावेज भाई जरा इधर आओ, तबे दिखाते हैं नदीम, ये बच्चे दिखाते हैं। तो भाई ये बच्चा है, अभी इसने धीरे धीरे वजन बनाना शुरू कर लिया। ये देखो इसको जो है ना लूज मोशन हो गया था, तो ये जगह देखो, इस जगह से पता चलता है हरा हरा पीला पीला सा ऐसे हो जाता है। अभी इसका वजन ठीक है और ये ठीक होने लग रहा है। तो होता क्या दोस्तों, जैसे कबूतर होते हैं, मैं डेली अपनी वीडियो में या वैसे भी मैं बताता हूँ, अपने कबूतरों को हमें डेली चेक करना चाहिए कि किसी कबूतर ने उल्टी उल्टी तो नहीं कर रखी, इस बच्चे ने उल्टी कर रखी थी और हो सकता है इन कबूतरों ने भी खा ली हो, हमें ना पता चला हो। तो मैं सभी का ट्रीटमेंट करूँगा कि हमारे बाई वे इसने जो भी उल्टी की हो और इनमें से किसी ने खा ली हो तो उनके अंदर भी इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। तो इसी मारे सभी का ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये मैंने पहचान करके अलग कर लिया था। अब इसकी कंडीशन काफ़ी ठीक है और बीट भी इसकी ठीक हो चुकी है, एक आध दिन इसको और रख के उधर मैं छोड़ दूंगा। तो भाई इसमें होता क्या है, डायरिया की लक्षण क्या होते हैं, इसमें कबूतर हरी चिपचिपी बीट करता है, कैडी बीट होगी, पतली नहीं होती, इसमें कैडी बीट होती है और चिपचिपी बीट होती है, बदबू आती है उसकी बीट से। और ये भी है, तो भाई ट्रीटमेंट सभी का एक साथ किया जाएगा। तो नदीम आ जाओ, तो भाई हम ट्रीटमेंट कर कैसे रहे हैं वो आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो भाई ये होता है पावर जल, ठीक है, अलग अलग उनसे नाम से मिल जाता है हर एक जगह, पावर जेल बोलते हैं इसको यहाँ, पावर जेल, ठीक है। और भाई ये सभी कबूतरों का ट्रीटमेंट करूँगा मैं और कितनी मात्रा में डालूँ अभी मैं आपको भी दिखाता हूँ। साथ में है ORS घोल, ये दोनों चीज़ आम केमिस्ट की दुकान पे मिल जाती हैं, आप इनको लेके अगर किसी के कबूतरों में दिक्कत आती है तो वो बिल्कुल इनका ट्रीटमेंट कर सकता है। भाई मुझे अपने एक बच्चे में लगी थी तो मैंने उस बच्चे की पहचान की, उसको अलग रखा, दो दिन हो गए उसका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, अब वो काफ़ी ठीक है। लेकिन सेफ्टी के तौर पे मैं इनका भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और मैं लगातार 5 दिन का कोर्स करूँगा ये, क्योंकि ऐसा है 2-3 दिन में मान लो इन्फेक्शन अगर रह जाता तो बाकी के 2 दिन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये वो वाली बीमारी नहीं है जो वायरस आता है, एक होता है पोट जाम हो जाना, कबूतर हरी बीट मारना, उसमें भी ये दोनों काफ़ी हद तक काम की सिद्ध होती हैं। अगर ये आपको देने का तरीका पता होना चाहिए और देनी कैसे है, तो भाई ORS घोल का काम क्या है, जो कबूतर क्या होता है कि जब कबूतर खाना पीना छोड़ देता है या इंसान भी खाना पीना छोड़ देता है तो डॉक्टर उसको यही सलाह देता है कि भाई ORS का घोल आप पियो। इससे क्या होगा, जो हम पानी दस्त के थ्रू जो पानी निकल जाता है उसकी पूर्ति होती है। इस मारे हम इसको ORS का प्रयोग करते हैं और आप डाल के दिखाते हैं, आ जाओ। देखा भाई पूरा पूरा डाल देना, देखो भाई वो मैं पैकेट डाल उसके अंदर। और भाई ये 7.5 ml की है, ये नाप के लेना है, जब भी लेना है नाप के डालना है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं, मेरे पास कबूतर ज्यादा है, आप 2 लीटर पानी के अंदर 5 ml डाल सकते हो और आधा पाउच उसका डाल दो, उसके कोई नुकसान नहीं होता, उसका फायदा ही होता है भाई। 7.5 ml और 7.5 ml, इससे कबूतर के पेट में मरोड़ी वरोड़ी दर्द वर्द होगा वो भी ठीक हो जाता है और बहुत जबरदस्त चीज है। मैं अभी 2 दिन से इनका ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो काफी आराम लगा है कबूतरों को। और भाई देखो ये छोटी छोटी चीजें बताती रहनी चाहिए, अगर हम अपनों में ट्रीटमेंट करते हैं नोटा देना भी तो दूसरे भाइयों के साथ शेयर करने में कुछ नहीं जाता भाई।
दिन इसमें से इंजेक्शन निकाल। तो भाई ये इंजेक्शन में पानी ले लिया, उसको दे के आएंगे। देखा सावे जी, दस एम एल पानी लिया भाइयों, देखो 10 ml है। कबूतर ये बिल्कुल ठीक है, ये अपने आप ही पीते रहेंगे फुल यूनो दिन में। सुबह से लेके शाम तक यही पानी कबूतरों के आगे रखा रहेंगे। कबूतर अपनी मर्जी से आएगा, पानी को पिएगा। और 3 दिन का वैसे कोर्स होता है, लेकिन 2 दिन का एक्स्ट्रा कोर्स करवाओ दोस्तों, अगर थोड़े बहुत जो भी रह जाते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और कबूतरों का डायरिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भाई इसमें अगर देखो जरा सी लापरवाही कर देते हो तो आपका कबूतर गाया हो जाएगा, क्योंकि दस्त एक ऐसी चीज़ है, इंसान को भी लग जाते हैं तो 2 दिन में तो इंसान को भी तोड़ के हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। तो भाई इसी मारे कबूतरों का जब भी आपको ये लगे, एक तो डेली अपने कबूतर चेक करने चाहिए उनके अंदर कोई कमी वमी तो नहीं है, खासकर उल्टियाँ कबूतरों में अगर उल्टियाँ आ जाती हैं तो बिल्कुल उनका ठीक ध्यान रखना होता है। और जिस भी लॉफ्ट में उल्टी आई है तो उसका सभी कबूतरों का आप ट्रीटमेंट शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो भाई अब ये देखो ये कबूतर बिल्कुल ठीक है सारे के सारे, लेकिन हमें थोड़ा सा डाउटफुल में तरीके में हमें ये करना पड़ गया। तो भाई यही है, कभी भी आपके कबूतरों में अगर डायरिया की शिकायत हो तो आप ये 2 चीज़ ले लो, 5 दिन इनका कोर्स करवा के उसके बाद हिमालय का लीवर 52 या प्रोटोन कुछ भी हो पानी में घोल के हो दो, आपके कबूतर बिल्कुल फिट फॉर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो थी जिसमें मेरे कबूतरों में कुछ दिक्कत आई थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये बच्चा है अब इसकी बीट भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है और ये उल्टियाँ भी नहीं कर रहा है, तो अब इसको आराम है। इसको 1-2 दिन और क्वारंटाइन रखेंगे, उसके बाद ही नहीं कबूतरों में इसको छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।